हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कर्म किसे कहते हैं। आगे जानते हैं कि क्या हम कर्म फल को बदल सकते हैं। जी हाँ, हम अपने कर्म फल को बदल सकते हैं। ये परिवर्तन पूरी तरह हमारे ज्ञान की पूर्णता पर आधारित है। जीव जब सत्व गुण में होता है और समझ लेता है कि उसे कैसे कर्म करने चाहिए, तब कर्म परिवर्तन हो सकता है और पूर्व किए गए कर्म बदल सकता है। इस तरह कर्म सनातन नहीं है। परमेश्वर की शक्ति। जीव और ईश्वर दोनों चेतना रूप है, पर जीव सर्वोपरि नहीं है, जबकि भगवान की चेतना सर्वोपरि है। जीव जो है वो सिर्फ खुद के शरीर प्रति समान है, जबकि भगवान समस्त शरीर के प्रति समान है। जीव और भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर की शक्ति है, जिसमें जीव चेतन है जबकि प्रकृति चेतन नहीं है। चेतना को शुद्ध कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति, अर्थात भगवान जब भौतिक ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं तब उनकी चेतना भौतिक तौर से प्रभावित नहीं होती। हमारी चेतना भौतिक तौर से दूषित है, तो भगवद गीता हमें ये दूषित हुई चेतना को शुद्ध करने की सीख देती है। शुद्ध कर्म को भक्ति कहते हैं। जो मनुष्य मुक्त होने की इच्छा रखता है तो उसे जान लेना चाहिए कि खुद भौतिक शरीर नहीं है। श्रीमद् भागवतम में मुक्ति की व्याख्या दी गई है, मुक्तिरहित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अर्थात मुक्ति माने भौतिक जगत की चेतना से मुक्त होके शुद्ध चेतना में स्थित होना। दूषित चेतना मानती है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, परंतु वास्तव में परमेश्वर ही सृष्टा और भोक्ता दोनों ही है। जीवात्मा तो सिर्फ सहयोगी है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हाथ, पांव, आंखें, ये सब शरीर के अंग हैं, पर ये भोक्ता नहीं है, उधर ही भोक्ता है। हाथ भोजन देता है, दांत चबाने का काम करता है, तो शरीर के सारे अंग उदर को संतोषने के लिए जुड़े रहते हैं, क्योंकि उदर को खाना देने से शरीर का पोषण होता है। वैसे ही परमेश्वर सृष्टा और भोक्ता है, और हमारा निर्माण उन्हें प्रसन्न रखने के लिए किया गया है। भौतिक जगत का नियम। भौतिक जगत का हर पदार्थ क्षणिक है, जो उत्पन्न होता है थोड़े समय के लिए रहता है, आड़ पैदाश करता है, क्षीण होता है और फिर नष्ट हो जाता है, फिर चाहे वो शरीर, फल या और कुछ भी चीज हो। 11वें अध्याय में जीव और भगवान को सनातन कहा गया है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार दी है, जिसका न तो आदि है न तो अंत। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।